गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कुलदीप योर मैथ टीचर। बच्चों आज हम पढ़ेंगे थर्ड डी एक्सरसाइज। थर्ड डी इसमें सबट्रैक है, सबट्रैक आपको आते हैं। मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि आपको नोटबुक में किस तरीके से आपको वो करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तो बुक में करने हैं, उसके बाद आपको सेकेंड क्वेश्चन जो करना है तो कॉलम में ऐड करके फिर उसको सॉल्व करना है। तो कॉलम में किस तरीके का ऐड करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। आपको फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस जब भी पूछे इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट। ग्रेटर डिजिट ये है और स्मॉलर डिजिट ये, तो ये ऊपर आएगी और ये डाउन में, फिर इन दोनों क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कितने प्लेस तक है। ये 1000 पीरियड, ये लैख पीरियड, इसका मतलब लैख पीरियड तक है। लैख पीरियड में दो प्लेस होते हैं, 10 लैख और 10 लैख, उसका मतलब 10 लैख प्लेस तक हमें राइट करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डिजिट नोट, क्वेश्चन नंबर 1 का डिजिट नोट करनी है 6530192, 6532192। इसको किस में सबट्रैक्ट करना है, 3598649 में से। तो बड़ी डिजिट कौन सी है, ग्रेटेस्ट डिजिट 65000। तो ये क्या आएगी, ऊपर आएगी और ये उसके नीचे लिखे हमें कॉलम में एडजस्ट करना है। सबसे पहले प्लेस लिखना है इसके ऊपर, वंस कहाँ तक लिखने में बताया था, इसका जो प्लेस है कहाँ तक है, 10 लाख तक। ये लाख पीरियड है, लाख पीरियड में लाख और 10 लाख प्लेस होते हैं। तो इसकी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख और 10 लैख प्लेस तक लिख लेंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, ये डिजिट, ये वंस प्लेस है तो ये वंस प्लेस नीचे जाएगा, ये टेंस है, ये क्या है हंड्रेड है, ये थाउजेंड, ये 10,000, ये लैख और ये 10 लैख, ऐसे ही इसको लिखना है। ये वंस प्लेस के नीचे वंस आएगा, 4 टेन प्लेस है, ये 6 का हंड्रेड प्लेस है और 8 का थाउजेंड, 10,000, लैख और 10 लैख। डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों के बीच का अंतर, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है, पीछे सब्ट्रैक्ट करना पता है हमें। अब 2 में 9 माइनस नहीं हो सकता, तो हमें कैरी कहाँ से लेगा, यहाँ से। तो यहाँ से एक कैरी देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 10। जो कैरी होती है उसके आगे लग जाती है, पता ही आपको, 10 में 9 माइनस 1। अब यहाँ कितना था 8 में 4 माइनस, अब कैरी जरूरत नहीं इसको, कैरी जब चबक जब इससे समाला डिजिट ऊपर होगी, समाला डिजिट ऊपर होगी, जब इसको कैरी जरूरत है, लेकिन इसके पास कैरी नहीं है। तो ये इससे लेगा पहले, ये इसको देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, हमेशा कम करें पहले जिससे ले रहे हैं, जिससे ले रहे हैं वो हो जाएगा 10। अब 10 आगे देगा तो क्या हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो 11 में 6 माइनस कितना आएगा 5, 9 में 8 माइनस 1, अब 2 फिर कैरी जरूरत पड़े, देखो यहाँ पे जब तक यहाँ पे 2 है यहाँ पे 9 है, यहाँ कैरी लेकर यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 12 में 9 माइनस 3, 4 में 5 माइनस फिर नहीं होगा, फिर ये कैरी लेगा यहाँ से, यहाँ 5 और यहाँ 14 में 9 माइनस 5 माइनस 9 और 5 में 3 माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस आंसर को हम अलग से लिख देंगे एक बार साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एक लाइन छोड़ गैप देना है यहाँ पे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखना है, फिर सेकंड क्वेश्चन नोट करना है, फिर उसको कॉलम में एडजस्ट करना है, फिर उसको सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट सब बच्चों को आता है, लेकिन मैंने इनको आपको कॉलम में लिखना सिखाया है, कैसे प्लेस डालने, कैसे उनको करना है। ये आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको करना है नोटबुक में। 3 क्वेश्चन वैसा ही है स्टार वाला, स्टार की जगह में डिजिट फिल करना है। तो ये भी आप कर सकते हैं, जैसे अब मैं बुक में करवाता हूँ, ये देखो आप एक बार, ये क्वेश्चन है, ये भी आसान है, सबट्रैक्ट है, हमें दिख रहा है। तो हमें ऐसा देखो, यहाँ पे रफर जरूर बनाना है इसके लिए हमें साइड में, तो यहाँ नोटबुक बना लिया मैंने रफर। तो 8 में कौन सा नंबर माइनस करें 5 आ जाए, तो हमें इसको हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा नंबर सबट्रैक्ट करें 3, 8 में 3 माइनस 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, ऐसा नंबर होता जिसमें 7 माइनस करने के बाद 9 बच जाए। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 7 माइनस करें तो क्या बच जाए 9। अब देखो ऊपर डिजिट कोई नहीं है, नीचे 7 है, अब 7 में क्या माइनस करेगी 9 बच जाए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अब इसमें 7 में
इसका मतलब कैरी जरूरत पड़ेगी इसको। पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर किस नंबर, कितना नंबर आना चाहिए, किस में नाइन माइनस करें। तो पहले आप इसको दोनों को प्लस देख लेंगे, कितना आ गया 70, इधर 16 आएगा। यहाँ पे 16 कैसे होगा, वन कैरी लेके होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 6, जो 16 बनेगा वो कैरी लेके बनेगा, ठीक है। क्योंकि दो डिजिट तो आ नहीं सकती एक प्लेस की जगह, यहाँ प्लेस एक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, और वो कैरी लेके बन जाएगा फिर 16, और 16 में फिर 7 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 9, क्लियर है। अब कैरी यहाँ से लेगा, सीधी सी बात है, तो यहाँ 8 बच गया भाई, कैरी देगा ना इसको 16 बनाने के लिए, तो कैरी देगा यहाँ 8 बच जाएगा, 8 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 8 में 2 माइनस 6। अब नेक्स्ट यहाँ पे, यहाँ तक खत्म हो गया है, कोई गई जरूरत नहीं है। अब फिर वही देखना है 9 में क्या माइनस करें कि 5 बच जाए यहाँ पे, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।